नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल नंबर वन क्लास। आज मैं आपके सामने बेसिक मैथमेटिक्स से बाइनोमियल का प्रॉब्लम देखेंगे, जो कि बाइनोमियल प्रॉब्लम इसमें दिया गया है एक्सरसाइज 4B। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4B बाइनोमियल का पूरा प्रॉब्लम करेंगे, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्लास में हम आपको बताने के लिए कोशिश किए थे कि बाइनोमियल में किस प्रकार के फार्मूला बनते हैं, मिड टर्म क्या होता है और कोफिशियंट क्या होता है, इन सारी बातों को हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप नीचे लिंक दिया गया है, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन आज हम चलते हैं 4B का, एक्सरसाइज 4B का सारा क्वेश्चन को करेंगे। और आपको बता दें, जो क्वेश्चन सिमिलर हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चन एक ही जैसा हो उस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा सा हट कर हो उस क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x + 3 का होल पावर 4। इसको हम लोग एक्सपेंड करना, क्या करना है, एक्सपेंड करना है। इसको हमको विस्तार में रूप में लिखना है बाय द बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम का हम फार्मूला क्या बताए हैं, a + b का अगर पावर n रहे तो क्या लिखते हैं, मान लीजिए, तो क्या लिखते हैं, a^n + nc1, a^n-1, b के पावर क्या होता है, बढ़ता है, और a के पावर क्या होता है, घटता है। उसी प्रकार nc2 घटाइए n-2 और b के पावर बढ़ाइए। चलिए, इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, जब तक ना हो जाए क्या हो जाएगा, nc n हो जाएगा, a^n-n हो जाएगा, b^n हो जाएगा। समझ में आया, ये फार्मूला हम ऑलरेडी समझा चुके हैं किस प्रकार बनता है। इन बातों को नीचे लिंक में दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब इसी चीज़ को, इस क्वेश्चन को इसमें हम लोग रखते हैं, a = 2x है, b = 3 है। अब यहाँ पुट करते हैं। चलिए, a = 2x है, 2x का पावर क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि n बराबर क्या है, 4। समझ में आ रहा है, 4c1 और एक क्या है, 2x के पावर क्या हो जाएगा, सीधे हम लिख, चलिए हम लिख देते हैं 4-1। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, और 3 + 4c2, एक जगह 2x दिया गया है, उसके बाद 4c2 और 3 है और पावर में 2 हो जाएगा, + 4c3, 2x के पावर क्या हो जाएगा, 4-3, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3, और लास्ट स्टेप 4c4 और a के पावर, मतलब 2x के पावर 4-4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा पावर, तो क्या हो जाता है, 1। उसको हम छोड़ देते हैं, अगर सीधे लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए, 4-4, 3 के पावर क्या हो जाएगा, 4। अब इसको हम आसानी तरीके से तोड़ देते हैं और मेरा आंसर हो जाता है, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 4 करेंगे क्या आएगा, 16, x के पावर 4, 4c1। आप इसे आसानी तरीका से तोड़ सकते हैं। आपको हम NCR MPR के लिए किस प्रकार टूटता है, NCR किस प्रकार टूटता है, आपको हम सब सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। आप नीचे लिंक में जाइए, आप वहाँ से आसानी तरीके से सीख सकते हैं, या आप कलसी में डालकर भी, आप लोग कैलकुलेटर में डालकर भी लिख सकते हैं। तो 4C1 को कीजिएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। चलिए, और 2 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा, 4-1 तो क्या हो जाएगा, 3, तो 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा, (8) के पावर क्या हो जाएगा, 3, अब (3) + 4c2 है, क्या आएगा, 6 (4), देखिए 4-2 है तो पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जब पावर 2 हो जाएगा तो 2 के पावर 2 करेंगे, 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, और x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा था, 9, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 4c3 कीजिएगा, 4 आएगा, और यहाँ देखिए 4-3 तो क्या बचेगा, पावर 1 हो जाएगा, तो सीधे हम लोग 2x लिख देते हैं, (3 के पावर 3 है तो क्या आ जाएगा, 27। समझ में आ रहा है। चलिए, 4c4 कीजिएगा, 1 आएगा, 1 इसको भी कीजिएगा, 1 आएगा, 1 में कुछ भी गुणा कीजिएगा, 1 आएगा, इसलिए हम लोग चलिए सीधे लिखते हैं, 3 का पावर 4 क्या आएगा, 81। अब इसको हम लोग एक साथ गुना करके लिखेंगे, वही आंसर आएगा, 16 x^4 + यहाँ देखिए 4 × 8 × 3 कीजिए, 8 × 32, अब 32 में 3 से गुना कीजिए, तो अगर आप 32 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 96।
प्लस 6 × 24 और 24 नंबर 216 एक्स स्क्वायर समझ में आ रहा है, प्लस 4 × 2 = 8 और 8 को गुणा कीजिएगा 27 में तो क्या हो जाएगा 216 एक्स प्लस 81। यही आपका आंसर हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग क्या कर दें, एक्सप्लेन कर दें, इसको लिख लीजिए। आगे हम चलते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी उसी तरीका से है, लेकिन तीसरा जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला का एक्सपेन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोग कीजिए, बहुत सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा हम कर लेते हैं ताकि उसमें जितना भी डाउट हो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4x/3 माइनस में है 3y/4 का होल पावर क्या है 4 है। इस क्वेश्चन को अगर हम बना देंगे तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप लोग आसानी तरीके से क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो उसी फार्मूला को हम लोग डालते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है फार्मूला उसी के अनुसार हम लोग डालते हैं। चलिए हम लोग इसको तोड़ते हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 4x3 का होल पावर क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, चलिए और यहाँ क्या लिखेंगे NC1, तो मतलब 4C1 समझ में आ रहा है, 4x/3 यहाँ 4 − 1 होगा तो क्या हो जाएगा 3, इसलिए हम एक स्टेप को आगे चल रहे हैं तोड़कर। चलिए यहाँ क्या होगा 3/4 पावर में क्या हो जाएगा, जब यहाँ 1 रहता है तो यहाँ भी 1 रहता है, जब यहाँ माइनस दिए थे तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। समझ में आ रहा है, सब डाउट क्लियर हो रहा है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 4C2 4x/3 पावर क्या हो जाएगा, जब यहाँ 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 4 − 2 तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 3y/4 का पावर क्या हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं। जब यहाँ प्लस है तो आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4C3 और क्या हो जाएगा 4x/3 पावर क्या हो जाएगा 4 − यहाँ क्या हो जाएगा 3, तब क्या बचेगा 1। चलिए 3/4 पावर क्या हो जाएगा, जब यहाँ 3 रहता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, लानस था तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, यहाँ प्लस होगा, यही है जब माइनस रहता है। तो लास्ट स्टेप करेंगे 4C4 उसके बाद क्या होगा 4x/3 का पावर क्या हो जाएगा 4 − 4 तो 0 हो जाता है, तो उसका मान क्या आता है 1 आता है, इसलिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं। चलिए 3y/4 इसका पावर क्या हो जाएगा 4। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बस इसको हम लोग तोड़ेंगे उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो 4 का पावर 4 करेंगे, जब 4 का पावर 4 करेंगे तो 256 एक्स के पावर क्या हो जाएगा 4 होल डिवाइडेड बाय 3 का पावर 4 करेंगे कितना आएगा 81। चलिए माइनस 4C1 को तोड़ेंगे 4 आया, उसके बाद 4 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा x/3 डिवाइडेड बाई 3/3 करेंगे कितना आएगा 27 × 3y/4। चलिए 4C2 को करेंगे, जब 4C2 को करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 एक्स है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड क्या हो जाएगा 9 × 3 इंटू चलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 y² 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। चलिए नीचे हम लोग करेंगे, यहाँ देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस उसके बाद क्या आएगा माइनस 4C3 जब 4C3 को आप तोड़िए तो 4 आएगा इंटू 4 × 4x/3 अब इंटू कीजिए 3/3 कीजिएगा क्या आएगा 27 यहाँ 4/3 कीजिए तो क्या आएगा 4 × 16 16 × 64
वाई का पावर थ्री। चलिए 4c1 क्या आ जाएगा, 1 आता है, उसके बाद 1 से गुना होगा था, उसके बाद 1 से गुना होगा तो सेम आएगा, लेकिन लिख देते हैं 3 का पावर 4, तो क्या आएगा 81, और 4 का पावर 4 की जगह 256। चलिए y का पावर 4 रहेगा। चलिए यहाँ कुछ और काटना तो काट सकते हैं ताकि आसानी पड़ेगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 4 से 4 काट देते हैं, 3 से 9 काट देते हैं। समझ में आया, पहला काम ख़त्म। दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 9 है तो 9 काट दीजिए, यहाँ 6 है, सॉरी यहाँ 6 को रहने दीजिए, 16 सीधे काट दीजिए। समझ में आ रहा है, चलिए यहाँ 3 है तो 9 कर दीजिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 16 कर दीजिए, 16 से काट दीजिए। चलो तो कुछ हम लोग काट दें, उसके बाद एक साथ मिलकर हम लोग फाइनल आंसर यहाँ लिख देते हैं। चलिए फाइनल आंसर क्या होगा उसको हम लोग लिखिए, क्या होगा 256, क्या है 256 एक्स के पावर 4 डिवाइडेड क्या है 81। समझ में आ रहा है, माइनस है तो माइनस डालिए, यहाँ क्या है बचा हुआ 64/9, 64/9 क्या होगा एक्स के पावर 3y। समझ में आ रहा है, अब यहाँ प्लस है, यहाँ क्या बचा हुआ है देखिए 6 है, चलिए एक्स स्क्वायर वाई के पावर क्या हो जाएगा, वाई के पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बहुत अच्छा, चलिए यहाँ तक समझ में आया। लास्ट में क्या है, जब तीसरा स्टेप क्या है, यहाँ क्या होगा माइनस होगा, चलिए माइनस लिखते हैं। यहाँ क्या क्या बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है तो इसको भी काट दीजिए, यहाँ हो जाएगा 4। चलिए तो 9/4 और क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई का पावर क्यू, यहाँ प्लस है, चलिए 81 256 के पावर क्या हो जाएगा वाई। यही आपका आंसर हुआ, इसको नोट डाउन कीजिए। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको हम करके दिखाएंगे ताकि आपको इससे रिलेटिव जितना भी इस प्रकार क्वेश्चन दे आपको आसानी तरीका से बना सकते हैं। चलिए तो इसमें क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में क्या है 1 + √x, ब्रैकेट बंद है, का होल पावर क्या है 4, प्लस ब्रैकेट ओपन है 1 - √x, ब्रैकेट बंद हो गया क्या होगा पावर क्या होगा 4 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम एक टर्म को लेते हैं, यदि हम पहला टर्म को लेते हैं और इसको हम एक्सपेंड करते हैं, समझ में आ रहा है, जब इसको हम लेंगे और उसी को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद क्या है माइनस है, उसके बाद हम लोग करेंगे उसी चीज़ को, 1 - √x4 है, यहाँ भी 1 + √x4 है, तो आपको हम क्या बताएं सारा चीज़ वही होगा। जब माइनस आता है तो माइनस क्या होगा, सबसे पहले प्लस, माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट होते चलेगा। तो सबसे पहले यदि हम एक को करेंगे, उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे दूसरे की अल्टरनेट करेंगे, तो किस प्रकार करेंगे आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 के पावर 4 + 4c1 या 1 के पावर फिर क्या हो जाएगा 3 √x1 हो जाएगा प्लस 4c2। समझ में आ रहा है, 4c2 1 के पावर क्या हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा √x4 प्लस, समझ में आ रहा है, फार्मूला में बैठाते जा रहे हैं और कुछ नहीं अभी कर रहे हैं, 4c3 1 के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और √x क्या हो जाएगा 3। लास्ट स्टेप है 4c4 1 के पावर 4 √x क्या हो जाएगा 4। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सॉल्व कीजिए 1 के पावर 4 करेंगे 1 आएगा, 4c1 को करेंगे 4 आएगा, √x, कोई दिक्कत, पहला हम लोग कर लिए, चलिए प्लस 4c2 को करेंगे, 4c2 को करेंगे कितना आता है 6 √x √x है, √x² है तो क्या हो जाएगा √x आता है। चलिए अब हम लोग 4c3 को करेंगे क्या आएगा, 4c3 को करेंगे 4 आएगा, 1 के पावर कितना भी रहेगा 1 आएगा, √3 √x³ है तो क्या आएगा √x आएगा, जब 2 रहता है, जब स्क्वायर में रहता है तो निकल जाता है, उसके बाद एक और बचा हुआ है, चलिए प्लस
फोर सी फोर, तो क्या आएगा वन इंटू वन रूट क्या है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग एक साथ लिखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस को करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या आएगा, वन प्लस फोर रूट एक्स, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सिक्स इंटू वन इंटू एक्स, चलिए थ्री इतना है तो इसको करते हैं हम लोग, क्या आएगा प्लस सिक्स एक्स। चलिए अब हम लोग अब इसमें करेंगे तो क्या आएगा प्लस फोर एक्स रूट एक्स, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में क्या है प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग पहला टर्म को किए हैं, पहला टर्म को किए हैं। अब इसको क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। देखिए कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, यदि आप इसको फिर से तोड़ना चाहते हैं तो आप तोड़ सकते हैं, लेकिन उसी चीज़ को आएगा, लेकिन इसमें साइन चेंज होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग सेम लिखते हैं लेकिन साइन चेंज करेंगे। तो बीच में प्लस है, यहाँ प्लस देते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं। चलिए उसके बाद क्या है, सबसे पहले क्या आया वन, तो सबसे पहले क्या रहता है प्लस में रहता है, उसके बाद दूसरा क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा फोर रूट एक्स। चलिए फोर रूट एक्स, उसके बाद यहाँ प्लस होता है, चलिए उसके बाद प्लस है सिक्स एक्स, सिक्स एक्स, समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा सिक्स एक्स लिख दिए हम लोग, फोर एक्स रूट एक्स, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है। देखिए जितना चीज़ को हम लोग फार्मूला डाल के इतना सॉल्व किए हैं, उसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट यहाँ कर दिए हैं। सबसे पहले प्लस होता है, माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, इस चीज़ को हम लोग लिख दिए। अब जो प्लस है, इस प्लस को क्या होगा, सारा सिस्टम क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस माइनस से गुना होगा, ए प्लस प्लस से भी गुना होगा। उसके बाद जो आएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काटना है, जो काटेंगे, जो कटेगा काटेंगे, उसके बाद लास्ट आंसर लिखेंगे। एक दो स्टेप और है, चलिए हम लोग आगे करते हैं। वन प्लस फोर रूट एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक हम लोग कुछ नहीं किए, सेम उतार दिए हैं। अब देखिए अब आपको साइन चेंज होना, यहाँ प्लस प्लस से गुना हुआ एक आया, प्लस माइनस से गुना आएगा माइनस हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा फोर रूट एक्स, समझ में आ रहा है। उसके बाद प्लस प्लस से गुना होगा प्लस सिक्स एक्स, माइनस होगा प्लस माइनस से गुना होगा माइनस फोर फोर एक्स रूट एक्स, उसके बाद लास्ट प्लस प्लस से गुना होगा प्लस आएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को, यहाँ क्या क्या माइनस है, माइनस फोर एक्स, माइनस फोर रूट एक्स है, प्लस फोर रूट एक्स है, इसको यहाँ से कैंसिल, इसको यहाँ से कैंसिल। अब क्या है माइनस फोर रूट एक्स, इसको यहाँ से कैंसिल, और ये दोनों एक है, तो हम लोग को बचा क्या वन है, सिक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी सिक्स एक्स है, प्लस यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, मतलब एक ही चीज़ को यहाँ डबल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वन वन को जोड़ेंगे तो टू आ जाएगा, मीन्स हर एक चीज़ डबल है। तो क्या क्या डबल है, वन प्लस में है सिक्स एक्स, और क्या डबल है प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग को ए फाइनल आंसर आ गया, इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो इसी का हमको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम उसी दिया हुआ, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, इसमें एक्स नहीं है, इसमें कोई केवल अंक है, नंबर्स हैं। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसी प्रकार सॉल्व करेंगे यदि दोनों अंक सेम है। यहाँ देखिएगा रूट थ्री प्लस वन का होल पावर फाइव है, यहाँ रूट थ्री माइनस वन का होल पावर फाइव है, यहाँ बस माइनस से यहाँ प्लस है। तो यदि हम एक को कर लेते हैं तो उसमें हम माइनस बैठा देंगे अल्टरनेट करके, तो हमारा हो जाएगा, उसकी बात करते हैं। तो किस प्रकार करते हैं, आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रूट थ्री का पावर क्या हो जाएगा फाइव प्लस फाइव सी वन, फार्मूला पुट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा आपको। रूट अंडर थ्री क्या हो जाएगा फाइव माइनस वन, तो क्या हो जाएगा फोर, यहाँ हो जाएगा वन का पावर वन प्लस फाइव फाइव सी टू, रूट थ्री का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ फोर है तो यहाँ थ्री आ जाता है, एक के पावर स्क्वायर प्लस फाइव सी थ्री
रूट थ्री का पावर क्या हो जाएगा, टू, एक घटेगा, समझ में आ रहा है। चलिए एक हो जाएगा का पावर क्या हो जाएगा, थ्री प्लस फाइव सी फोर, फाइव सी फोर रूट अंडर थ्री, यहाँ पावर क्या हो जाएगा वन, और एक के पावर क्या हो जाएगा फोर प्लस फाइव सी फोर, सॉरी फाइव सी फाइव, और क्या हो जाएगा रूट अंडर थ्री का पावर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो मान क्या हो जाता है वन हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको हटा देंगे। एक के पावर क्या हो जाएगा उसको भी लिख दीजिए फाइव, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो रूट फाइव को हम लोग यदि तोड़ेंगे, रूट थ्री का पावर फाइव को तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा रूट थ्री का, मान लीजिए हम तोड़ के दिखाते हैं, रूट थ्री अगर पाँच बार लिखिएगा, यदि आप कैंसिल कैलकुलेटर में डाल दीजिएगा तो भी ठीक है। यहाँ देखिए जब दो को बनता है तो थ्री हो जाता है, इंटू थ्री हो जाता है, बचा क्या तो इस प्रकार बचा, मीन्स जब दो रूट रहता है और गुना में रहता है तो एक निकल जाता है, रूट निकल जाता है, उसी प्रकार यहाँ दो निकल गया तो तीन तीन नौ और रूट थ्री, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा नाइन रूट थ्री प्लस फाइव सी वन, क्या आता है फाइव, रूट थ्री का पावर फोर है तो क्या हो जाएगा नाइन इंटू वन प्लस फाइव सी टू को कीजिएगा टेन, उसके बाद रूट थ्री का पावर क्यू है तो क्या आएगा थ्री रूट थ्री, समझ में आ रहा है। चलिए वन का स्क्वायर करेंगे, वन लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, गुना कीजिएगा सेम आ जाता है, फाइव सी थ्री को कीजिएगा टेन आएगा, उसके बाद रूट थ्री का स्क्वायर कीजिएगा इंटू थ्री आ जाएगा, वन लिखना है वो लिखिए। चलिए ये वाला हम लोग करते हैं तो क्या आएगा फाइव सी फोर, ध्यान दीजिएगा फाइव सी फोर को करेंगे क्या आएगा फाइव आता है, रूट थ्री कर देते हैं इंटू वन कर दीजिए। चलिए लास्ट में फाइव सी वन है, फाइव सी वन सॉरी लास्ट में फाइव सी फाइव है, क्या करेंगे वन, एक के पावर कुछ भी करेंगे तो एक आएगा। अब इसको हम लोग एक साथ गुना करते हैं तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा नाइन रूट थ्री प्लस नौ चौक पाँच गुने नौ है, नौ पचे पैंतालीस प्लस तीस रूट थ्री, चलिए प्लस क्या हुआ तीस प्लस फाइव रूट थ्री प्लस वन, तो ये हमारा क्या हुआ अभी तक हम लोग इतना सॉल्व किए, समझ में आया। उसके बाद माइनस है तो आगे हम लोग क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं, उसी चीज़ को हम लोग वहाँ लिखते हैं लेकिन वहाँ माइनस में लिखेंगे, अल्टरनेट माइनस में लिखेंगे तो किस प्रकार आएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप चाहे तो आप फार्मूला डाल कर इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं, एक बराबर कर सकते हैं, चाहे इसी में आप लंबा कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट है आप आसानी तरीका से वहाँ बना सकते हैं। चलो इसको हम लोग लिखते हैं नाइन रूट थ्री, माइनस कर देंगे क्योंकि फार्मूला में पहले प्लस होता है उसके बाद माइनस होता है, उसके बाद क्या है पैंतालीस, पैंतालीस लिखते हैं, उसके बाद क्या है ध्यान से देखिएगा प्लस है तो यहाँ प्लस होता है तीस रूट थ्री। चलिए यहाँ तक हम लोग लिख लिए, उसके बाद माइनस आएगा, चलिए तीस यहाँ लिखते हैं तीस माइनस तीस हो गया, चलिए उसके बाद प्लस फाइव रूट थ्री, उसके बाद माइनस वन, समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, यह जो माइनस है जो बीच में माइनस है और जितना भी यहाँ माइनस माइनस है सबसे क्या करेंगे गुना होगा, जहाँ ध्यान दीजिए जो प्लस है वो गुना होकर फिर क्या हो जाएगा माइनस बन जाएगा, तो आइए हम लोग गुना करते हैं, तो यहाँ हम लोग गुना करेंगे एक स्टेप और इसी में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा नाइन रूट थ्री, ध्यान दीजिएगा नाइन रूट थ्री फोर्टी फाइव प्लस थर्टी रूट थ्री प्लस थर्टी प्लस फाइव रूट थ्री प्लस वन, अभी हम लोग कुछ नहीं किए हैं, अभी जो सेम है ऊपर नीचे को उतार दिए हैं, अब क्या किए माइनस नाइन रूट थ्री,
समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? नहीं, a माइनस गुना हुआ तो क्या हो गया, प्लस प्लस 45 लिखना पड़ेगा। माइनस प्लस से गुना हो जाएगा, जब माइनस प्लस से गुना होता है क्या होता है, माइनस। समझ में आ रहा है कोई? प्लस 30 फिर माइनस से गुना होगा, माइनस 5√3 माइनस माइनस प्लस 1। अब इसमें देखिए जो माइनस वाला है जब प्लस वाला उसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो 9√3 और क्या माइनस पे है, माइनस 30√3। यहाँ भी प्लस में 30√3 काट देंगे। चलिए और कुछ है, 5√3 कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 45 31 यहाँ भी 1 है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, वही हमारा आंसर आएगा। तो 45 + 30 क्या हो जाता है, 45 + 30 क्या हो जाएगा, 75 + 1 76 और उसी प्रकार 76 इधर भी है, तो 76 दूनी का इतना होता है 152, वही हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। इसको लिख लीजिए। इस प्रकार हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आसानी तरीका से। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। राइट डाउन द 10th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल पावर 15। हमको कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म। आपको हम कौन सा टर्म निकालना है, आपको हम इसके लिए जनरल टर्म के लिए इक्वेशन बता चुके हैं, नीचे आपको लिंक में दिया गया है। आपको एकदम बारीकी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता चुके हैं किस तरह जनरल टर्म निकलता है, चाहे कोई भी टर्म हो, 10th टर्म हो चाहे कोई भी टर्म हो। आप नीचे पहले अगर दिक्कत हो रहा है तो नीचे आप लिंक में जाइए, वहाँ आराम से वीडियो को देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को मानते हैं। तो क्या बताए थे उस वीडियो में, जब t 10 निकालना है, टर्म 10 निकालना है, तो r बराबर हम क्या लेते हैं, 9 लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको फार्मूला क्या है, r + 1 = ncr, n माइनस r और b का पावर मान लीजिए क्या हो जाता है, r। तो ये हम लोग फार्मूला है, इसलिए तो यहाँ 9 + 1 करेंगे तो कौन सा टर्म हो जाएगा, 10। तो कौन सा टर्म निकालना है हमको, 10th टर्म। तो इसलिए हमको r बराबर क्या होगा, 9। चलिए हम r बराबर 9 रखते हैं, तो 9 + 1 r की जगह क्या रखें, 9। चलिए n कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 15। c 9, एक का वैल्यू क्या हुआ, क्या दिया हुआ है, x। तो n माइनस r तो 15 - 9। चलिए b का वैल्यू क्या हुआ, माइनस वाई स्क्वायर और r का वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं, 9। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 15c9 अगर आप कैल्शियम कीजिएगा, 15c9 तो क्या आएगा, 5005। समझ में आया, 15c9 कीजिएगा, 5005 आता है और x की पावर क्या होगा, 15 में से 9 गया, जब 15 में से 9 चल जाएगा तो क्या बचेगा, x की पावर 6। अब यहाँ देखिए, जब भी स्क्वायर है, जब सम संख्या रहता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाता है, तो केवल y बचेगा। और a 2 है, 9 है, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हमको कहा गया था 10th टर्म निकालेंगे, तो t 10 बराबर मिस टर्म 10th का आंसर, ये आसानी तरीका से, बहुत आसानी तरीका से निकल चुका है, यही आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या लिखा हुआ, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यू इन 2x² - 1/x^9। तो इस क्वेश्चन में हमको का कोफिशियंट निकालना है, किसका, एक्स क्यू का। तो कोफिशियंट क्या होता है, हम बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं, आपको पहले कुछ भी डाउट हो रहा है, कोफिशियंट किसको कहते हैं, किस प्रकार निकालते हैं, आप नीचे उसका एकदम स्पेशल वीडियो बना कर रखे हैं, क्या होता है कोफिशियंट, किस प्रकार निकालते हैं कोफिशियंट, ताकि आपको पहले डाउट क्लियर हो जाए, सब समझ में आ सके। तो इसलिए क्वेश्चन जब इस आप समझ जाएगा कोफिशियंट क्या होता है, किस प्रकार निकालते हैं, तो इस क्वेश्चन कुछ नहीं है। चलिए किस प्रकार बनते हैं हम लोग देख सकते। तो देखिए क्वेश्चन में हमको तो मालूम नहीं है कौन सा टर्म में एक्स क्यू आएगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, समझ में आया। तो हमको पहले आर फाइंड करना होगा कि इसका आर क्या होगा, उसके बाद हम लोग टर्म को निकालेंगे, कोफिशियंट को निकालेंगे। तो वही फार्मूला लगाएंगे,
कौन सा टी आर प्लस वन बराबर क्या फार्मूला है एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर। चले इस फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे लगाएंगे और हम लोग कुछ ज्ञात करेंगे। चलिए इसी फार्मूला में को डालेंगे तो क्या हो जाएगा एन बराबर क्या है नाइन, पावर क्या दिया हुआ है नाइन, तो नाइन सी आर ए बराबर क्या हुआ है टू एक्स स्क्वायर एन माइनस आर, तो एन बराबर क्या है नाइन माइनस आर, बी बराबर क्या हुआ माइनस वन बाई एक्स का पावर आर, आर तो हमको मालूम नहीं है तो अब हमको क्या करना है आर निकालना। तो किस प्रकार निकालेंगे देखिए टू के लिए भी पावर है एक्स स्क्वायर के लिए पावर, तो थोड़ा सा सेपरेट करते हैं ताकि आपको समझ में आसान तरीके से आ सके। नाइन सी आर टू का पावर क्या हो जाएगा नाइन माइनस आर, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे एक्स स्क्वायर के लिए भी नाइन माइनस आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस वन है तो माइनस पहले माइनस को हम अलग कर देते हैं, अब क्या बचा वन बाई एक्स के पावर आर, चलिए वन बाई एक्स के पावर आर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि यहाँ एक्स पर फोकस दीजिएगा, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स, उसका उसका देखिएगा पावर क्या है, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से इस पर आप चर्चा करिएगा इसका पावर क्या है एक्स का पावर क्या है ताकि हमको आर पहले निकल सके। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर है यहाँ नाइन है तो दोनों से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो यहाँ एक स्टेप इस प्रकार भी कर सकते हैं नाइन सी आर टू के पावर नाइन माइनस आर एक्स, यहाँ टू से दोनों गुना हो जाएगा तो एटीन माइनस टू आर लिख सकते हैं हम लोग। ए टू को क्या करें नाइन से भी गुना किए और टू से माइनस आर से भी गुना किए तो लिख सकते हैं, चलिए माइनस वन है वन के। अब हम लोग क्या कर सकते हैं वन बाई एक्स का पावर होल पावर क्या है आर है, तो एक्स के लिए एक्स के जब ऊपर लाएंगे तो क्या हो सकता है माइनस आर, समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप और ले जाते हैं ताकि आपको आर का वैल्यू हम आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखिए 18 माइनस टू आर माइनस आर, तो अब इस प्रकार जब बने तो उसको हम लोग सीधे बाहर निकाल सकते हैं 18 माइनस टू आर माइनस आर, ध्यान दीजिएगा 18 माइनस टू आर माइनस आर हमको निकालना किसका कोफिशियंट एक्स क्यू का, तो किस प्रकार हम पिछला वीडियो में बनाए थे कोफिशियंट निकालना है यदि आपको पावर कितना है थ्री है तो बराबर में क्या करना है थ्री करना है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आपको यहाँ लाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए तो क्या है 18 माइनस थ्री आर बराबर थ्री, समझ में आया 18 माइनस थ्री आर बराबर थ्री या और 18 माइनस थ्री बराबर थ्री आर लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं आप 15 माइनस थ्री आर और आर बराबर हमको क्या मिलेगा और आर बराबर हमको क्या फाइंड होगा 15 बाई थ्री, तो क्या हुआ फाइनली हमको आर बराबर फाइव। तो आर बराबर हमको फाइव प्राप्त हुआ, तो टी आर प्लस वन करते हैं मीन्स छठा टर्म में हमको एक्स क्यू का कोफिशियंट हमको ज्ञात हो सकता है। मेरे बात को ध्यान दीजिएगा एक्स क्यू का हमको क्या करना है कोफिशियंट करना है, तो हमको पहले ए मालूम होना चाहिए तो एक्स क्यू कौन सा टर्म में आएगा, तो सिक्स टर्म में हमको क्या होगा एक्स क्यू आएगा, उसके बाद उसका हम कोफिशियंट निकाल सकते हैं। चलिए आप इसको लिखिए ताकि हम आपको आगे ले चलते हैं। हम क्या बोले थे हमको पहले टर्म कौन सा टर्म में हमको निकलेगा एक्स क्यू आएगा, समझ में आया। तो हम निकालें आर बराबर फाइव यानी सिक्स टर्म में, तो सिक्स टर्म में एक्स क्यू आएगा कि नहीं उस अगर एक्स क्यू आ जाता है तो उसको कोफिशियंट आसानी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो आर बराबर हमको ज्ञात हो गया फाइव, जो हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं सेम वही फार्मूला आर प्लस वन वाला, बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको दम दिमाग में याद हो सके। चलिए यहाँ फाइव प्लस वन कर दें, उसके बाद क्या है फाइव सॉरी एन बराबर क्या है नाइन सी फाइव ए बराबर क्या है दिया हुआ है एक्स टू एक्स स्क्वायर नाइन माइनस फाइव, समझ में आ रहा है डॉट क्लियर हो रहा है।
अब बी बराबर क्या रखेंगे, माइनस वन बाई एक्स, यहाँ क्या लिखते हैं आर, आर बराबर क्या है फाइव। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो नाइन सी फाइव, अगर आप कैल्सियम में डालिएगा नाइन सी फाइव बराबर क्या आया 126, 126। अब यहाँ देखिए नाइन में से फाइव गया फोर बचेगा, पावर क्या हो जाएगा फोर, टू का पावर फोर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का पावर के भी क्या हो जाएगा फोर होगा। अब यहाँ माइनस वन बाई एक्स का पावर क्या हो जाएगा फाइव। बस हम लोग आंसर के करीब आ चुके हैं, 126, टू का पावर फोर क्या हो जाएगा 16, एक्स का पावर क्या है टू है यहाँ और फोर है, दोनों क्या होता है मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर एट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस वन को पहले निकाल दीजिए, अब क्या बचा वन का पावर क्या हो जाएगा, वन का पावर फाइव की जगह वन आएगा, एक्स के पावर क्या हो जाएगा फाइव। यहाँ एक्स के पावर एट है, यहाँ एट एक्स के पावर फाइव है, क्या होगा कट हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स के पावर क्यू। क्या हम बोले थे कि हमको पहले कोफिशियंट कौन सा टर्म में एक्स क्यू आएगा, तो हम लोग निकाले थे कि आर बराबर फाइव यानी सिक्स टर्म में हमको एक्स क्यू ज्ञात होगा, जो कि देखिए यहाँ सब चीज़ काटने के बाद यहाँ एक्स क्यू भी बचा है, यानी ये हमको सही है, टर्म सही है, आर भी सही है, अब हम लोग को आंसर भी अब सही हो जाएगा। माइनस पहले तो माइनस पहले लिखते हैं 126 इंटू 16 करते हैं, 126 इंटू 16 करेंगे तो क्या आया 2016, क्या आंसर आया 2016 एक्स क्यू। तो हमको कोफिशियंट ज्ञात करना था तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस 2016 माइनस 2016 यही आंसर हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का होल पावर 12। तो इसमें हमको x से ऐसा टर्म हमको फाइंड करना है जो x से स्वतंत्र हो, हमको ऐसा टर्म फाइंड करना है जहाँ x के पावर जीरो हो सके, तो हमको पहले टर्म फाइंड करना है कौन सा टर्म है, समझ में आया। तो इस आपका किताब में ऐसा 6 क्वेश्चन दिया है, लेकिन हम एक क्वेश्चन करते हैं उसी के अनुसार 6 क्वेश्चन बन जाएगा आसानी तरीके से। तो किस प्रकार बनेगा एक क्वेश्चन आपको हम बना सॉल्व करते हैं, चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हमको पहले आर निकालना होगा, तो हमको जाके टर्म निकालेंगे, तो आर निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे टी आर प्लस वन बना, तो क्या डालेंगे 12, सीधे लिखते हैं 12 सी आर एक्स स्क्वायर 12 माइनस आर, वन डिवाइडेड एक्स का पावर क्या हो जाएगा आर। ये हमको टी आर प्लस वन का फार्मूला डाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं कि जहाँ एक्स का पावर क्या है और यहाँ एक्स का पावर क्या है, हमको फाइंड करना है एक्स बराबर जीरो, समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन हम देखे थे एक्स का पावर क्यू था, तो वहाँ बराबर में क्या किए थे क्यू किए थे, थ्री किए थे, यहाँ एक्स के पावर जीरो है तो वो आर का क्या वैल्यू को क्या करेंगे लास्ट में जीरो से उसका बराबर में करेंगे, तो इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे तो हमको ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ 12 सी आर हमको मालूम नहीं है, चलिए लिखते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर दोनों से उसका क्या होगा गुना होगा पावर में, तो क्या होगा 24 माइनस 2 आर, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 क्या है 12 से भी गुना होगा, 2 माइनस आर से भी गुना होगा, उस चीज़ को लिखे हैं। अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं एक्स के पावर क्या जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, सीधे हम लिखते हैं एक्स के पावर जब ऊपर आएगा तो क्या माइनस आर। अब हम लोग सीधे इस प्रकार लिख सकते हैं 24 माइनस 2 आर माइनस आर बराबर जीरो, क्योंकि हमको एक्स एक्स का पावर जीरो ज्ञात करना है, समझ में आया। चलिए 24 माइनस 3 आर बराबर जीरो, अब हम आर का वैल्यू यहाँ यहीं ज्ञात कर देते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा 24 बाई 3, तो हमारा आर बराबर क्या निकला, आर बराबर क्या निकला 8, 8 24। चलिए जब हमको आर बराबर 24 निकला, जब हमको आर बराबर 24 निकला तो कौन सा टर्म में आएगा
आर प्लस वन होता है, तो आर प्लस वन क्या हो जाएगा, नाइन। मीन्स टी नाइन में हमको एक्स जीरो प्राप्त होगा, उसी एक्सपेंशन को हमको निकालना है। चलिए जहाँ जहाँ हमको इस फार्मूला में कहाँ कहाँ हमको आर है, उस आर को जगह क्या डालेंगे, हमको एट डालेंगे। चलिए हम लोग पुट करते हैं, तो यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ 12 CR है तो 12 C 8 डालेंगे। चलिए यहाँ x है, यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 12 - R, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए 12 - R, डॉट क्लियर हो रहा है। 1 YX दिख रहा है, 1 YX^8। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर ज्ञात करेंगे, तो 12 CR यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों से गुना हो जाएगा, 24 - 16 एक्स के पावर सीधे नीचे भी लिख देते हैं 8। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, अब 12 C 8 कीजिए, कैलसी उठाइए, 12 C 8 की जगह 495 आ रहा है, 495, 24 - 16 तो क्या बचेगा, 8। तो x के पावर क्या बचेगा, यहाँ 8 है इंटू 1 y, x के पावर भी 8 है, ये दोनों कैंसिल होगा, तो x बराबर क्या आया, 0 आया, जो हमको ज्ञात करना है। चलिए यही हमारा 495 आंसर हुआ। इसको लिख लीजिए। तो इस प्रकार आज हम लोग देख रहे हैं बाइनोमियल प्रॉब्लम का एक्सरसाइज 4B का, उसमें 11 क्वेश्चन है, आज हम लोग 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आपको आगे और चाहिए, इसका क्लास कंटिन्यू चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए ताकि हम इसको 11 क्वेश्चन को आसानी तरीके से हम पूरा कर सकें। तब तक देखते रहिए, धन्यवाद।